मतलब ओलंपिक लाने वाले को सच बोल सकते हैं, सुनील पहलवान यादव जो हैं इनसे पहले ला चुके हैं पदक, वो आज जेल में बंद हैं। ऐसा होता तो ऐसे छोड़ी होता कि जो पदक ले आए वो सच ही बताएंगे। हमेशा कांग्रेस के समय में हमारे सीमा में हल जाता था और कांग्रेस गिरगिराती थी, छोड़ दो सीमा हमारा नहीं, हमारा बेइज्जती हो रहा है। घुस के मारते हैं अब चीन में ना? हम घुस के मारते हैं अब चीन वालों को। सरकारी नौकरी है और कुछ नौकरी नहीं है? नहीं। अच्छा रोजगार नहीं है, बेरोजगार घूम रहे हो? रोजगार अच्छा न करे यहाँ ना हुई क्या? पैसा लेने के लिए इस क्योंकि पैसा लेने के लिए शिक्षा किया उनको बी एड कराया गया। श्री कृष्ण जी अभी आप तो सरकार के साथ खड़े थे अभी दो मिनट पहले। मैं देश के साथ हूँ और देश मेरे साथ। अरे नवाबगंज के स्टेशन का खो गया है सारो श्रृंगार, कहाँ बैठे हो मेरे सरकार। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी, एंड को पावर्ड बाय टेक्नोस्पोर्ट। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। अरे नेता तो हैं, ये नेता नहीं है? अरे प्रचार का फोटो दिखाएं भी हमको। दिखाए हैं व्यक्तिगत व्यवहार, व्यक्तिगत व्यवहार। नेता जी का के लिए गए थे, नेता जी का प्रचार करने के लिए गए थे। नेता है ना? नहीं नेता तो नहीं है, एक पब्लिक साधारण व्यक्ति है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फारूक रैनी है। मोहम्मद फारूक रैनी। फारूक रैनी जी, जी। अच्छा आपका नाम भैया? मोहम्मद रईस। रईस हेलो, किसका प्रचार करने गए थे आप लोग? हम नहीं प्रचार कर रहे, ये गए थे। अच्छा फारूक भाई, नवाबगंज में हम लोग इस समय, नवाबगंज यानी कैसरगंज लोकसभा ना? नहीं, ये गोंडा लोकसभा, लेकिन कैसरगंज लोकसभा सांसद जी का घर है यहीं पे ना? जी। कितना दूर है घर यहाँ से उनका? 3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर। वहीं पे सब लोग रहता है जी? बड़ा बेटा छोटा बेटा दोनों सब वहीं पर रहते हैं। बिश्नोरपुर जी, ये बड़ा सा गेट है। हाँ, यहाँ पे बात हो रही है सांसद, कैसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह की। ये धूप में यूवी प्रोटेक्शन दे और आपको पूरा दिन बदबू रहित ड्राई और फ्रेश रखे। टेक्नोस्पोर्ट, हर इंडियन का फ्रेश कोड। नवाबगंज से सांसद, सॉरी कैसरगंज से सांसद अब नहीं लड़ रहे हैं, उनका बेटा लड़ रहा है। एक बात बताइए, तो आप उनके ही प्रचार में गए थे? हाँ उन्हीं के प्रचार में गए थे, कल करण भूषण के प्रचार में हम गए थे। अच्छा। हाँ करनैलगंज कटरा कई जगह गए थे हम लोग, बहुत दूर दूर का इलाका है। हाँ हाँ बहुत दूर दूर, चाहे इतना दूर हो जाना पड़ेगा हम लोगों को, हर हालत में जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल जाना पड़ेगा। अरे वो हम लोगों के जो है बहुत मसीहा है, गरीबों की मसीहा है वो। हाँ। और बहुत मानते जानते हैं नवाबगंज में, जो है कोई कभी कोई मामले दारी नहीं हुआ उन्हीं के वजह से। हाँ जी, बृजभूषण सिंह का टिकट काहे कट गया इस बार, क्या लगता है आप लोग को? अब पार्टी को डेट होगा, जो कोई पार्टी को दुख होगा कोई? नहीं पार्टी को दुख नहीं होगा, पार्टी का उद्देश्य, पार्टी का उद्देश्य जो है कुछ होगा। हाँ हाँ वही अपने हिसाब पे जो है पत्रकार मतलब जो है काट के दिए होंगे उनको, करण जी को। बृजभूषण सिंह को जानते हैं आप? देखे हैं सामने से कभी? देखे हैं? एक बार नहीं हजारों बार देखे हैं। हाँ बिल्कुल। क्या कह के बुलाते हैं आपको जी? आपको क्या कह के बुलाते हैं? वो नाम लेके बुलाते हैं, वो के बच्चों को पहचानते हैं, पहचानते हैं। नवाबगंज के जो 50 साल के उम्र के होंगे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको वो ना पहचानते हों, बाई नाम बाई फेर पहचानते हैं। सही कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं कि नवाबगंज के सबको पहचानते हैं बृजभूषण जी? हाँ वही इनका निवास स्थान ही है, तो क्या सबको जानेंगे? बच्चों तुम लोग को जानते हैं? तुम लोग जानते हो? हमारे सब है, सब मतलब सब क्या होता है? अरे सब चिनते हैं, जानते हैं, आते भी हैं। कहे नेताजी सब है हमारे मतलब? अरे नेताजी हमारे हैं, परिवार में हैं। परिवार के हैं? हाँ ये बात भी हो सकती है भाई। अच्छा ये बताओ यार, उनसे पूछे? आ जाओ भैया, आ जाओ तुम, आओ आ जाओ। अच्छा अच्छा छोड़ लो, मजाकबाजी बंद। आप लोगों में कितने लोगों ने बृजभूषण शरण सिंह को सामने से देखा है? मिले उनसे? मिले हैं सामने जी, मिल चुके हैं जी, सब लोग मिले हैं। क्या बोलते हैं तुम लोग, क्या बात करते हैं तुम लोग? कुछ नहीं, युवाओं को प्रेरित करते हैं कि अपने खेल कूद में आगे बढ़ाओ। हाँ खेल कूद में आगे बढ़ने, खेल कूद में आगे बढ़ो। और क्या कहते हैं? और क्या, जब बातचीत होती रहती जब मिलते हैं।
अच्छा, हर चीज में सहयोग देते हैं, सहयोग देते हैं जी, और पढ़ाई लिखाई में, और कोई व्यक्ति अगर गरीब है, कोई किसी चीज से वंचित है, उसका हेल्प करते हैं, हर चीज में मदद करते हैं। अच्छा जी, घर और भी जाते हैं सबके? जी जाते हैं, घर पे भी मिलते हैं। इतना अच्छे हैं जी, टिकट कहाँ कट गया उनका? टिकट कहाँ कट गया उनका, उनके बताएं विरासत में मिला है उनको टिकट, इसको कटना थोड़ी कहते हैं, परिवार में चला, परिवार में चला गया इसको, परिवार सही है, परिवारवाद बिल्कुल सही है। अच्छा जी, हाँ भी बोल दिया, परिवारवाद बिल्कुल सही है। इसको डिफेंड करना था तुमको अपनी पार्टी को। कोई बात नहीं, ये बात बताओ, अब आप लोग ये बताओ कि हम सुनना चाहते हैं बृजभूषण सिंह के किस्से आप लोगों से, लोकल लोग हो आप लोग, ठीक है, कभी बताओ कि अरे यहाँ पान खाने आए थे, यहाँ पे टहलते हुए किसी को एक बार समझाए थे, किसी को शादी में गए थे तो क्या हुआ था, जानते कुछ किस्से उससे, जानते हो तुम लोग उनके? सर किस्सा तो बहुत है, बताते हैं लोग, वहाँ मतलब पुल के पास एक अखाड़ा है, वहाँ भी आते थे। हाँ। तो इस तरह के किस्से तो बहुत हैं उनके, जैसे बताओ तो। अब जैसे एक कुल किस्सा है उनके पहलवान का, मतलब बताते थे कि यहाँ क्या है क्या नहीं है। हाँ, आपको बताओ कुछ, पहलवानी नेताजी को पसंद है और सबको पसंद है जी। अच्छा, और क्या क्या पसंद है? नहीं नहीं, जैसे खेल में हमारे घर के सामने भी एक फील्ड है, वहाँ भी मतलब जो अखाड़ा बनता है जैसे कुश्ती वाला, पहले वहाँ बच्चों को खिलाते थे, वहाँ एक एक दो दो रुपये बच्चों को देते थे, एक एक दो दो रुपया देते भी थे यहाँ बच्चे कुश्ती के लिए, कि खेलो जो जीतता था उसको एक इनाम के तौर पर एक दो रुपये देते भी थे पहले। हाँ, पहले की बात है। अच्छा हाँ, अब तो एक आध दो रुपया कीमत बहुत कम, अब तो बहुत कम हो गया, ठीक है, पहले जो सामने आते थे खिलाते थे बच्चों को इनाम के तौर पर देते कि हाँ खेल कूद में आगे बढ़े बच्चे। अरे हो तो बताओ, 10,000, 5,000, 20,000, 1,00,000 हो तो देते हैं। अरे 10,000, 20,000, 5,000, 1,00,000 भी देते हैं ना वो, जरूरत है, इनाम मिल देते हैं। किसी कोई परिवार गरीब है, शादी ब्याह में है, फिर जितना भरपूर हो सकता मदद भी देते हैं, मदद भी देते हैं। और बताओ उनके बारे में, अब और जो जानकारी होते हैं बताओ, वो बताएं यार उनके बारे में, कोई बताओ नेताजी के बारे में। आप बुढ़वा ज्यादा हुई तो उन्हें बाजार के शहर के सब लोग मानते हैं उनको, कोई ऐसा बच्चा नहीं जो नहीं मानते। बताओ भाई, तुम भी बताओ। इनके तो आवाज आ ही लग रहा था उनके यहाँ से, तुम्हारा आना जाना लग रहा था वहाँ पे? जी जी, जाते रहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे पीढ़ी लोग बहुत से जाते हैं, हर चीज में वंचित रहते हैं। दिल के अच्छे हैं, दिल के अच्छे हैं। खाने में क्या खाते हैं ये भी बता दो। जैसे भाई हम लोग जो खाते हैं वही सब लोग खाते हैं। हाँ, तुम देखे भी हो। अरे सोना नहीं खाते, लेकिन जो खा रहे सब ये खा रहे, सोना नहीं खाते, लेकिन जो खा रहे सब ये कुल खा रहे। अच्छा, सोना नहीं खाते, लेकिन जो खाते वही खाते। अब एक बात बताओ, तुम लोग उनके घर पर खुद अपना गंजी वगैरह सब्जी सब लगाए रहते हैं, बाहरी बहुत कम रहते हैं, घर पर भी अपने सब्जी कुल घर में लगा रहता है उनके, लगाए हुए हैं। क्या हुआ? आओ लेता जा रहा हूँ। हमको पता चला कि आप बृजभूषण जी के दोस्त हैं, बहुत तगड़ा तगड़े वाले जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम। नकार तो नहीं देंगे? नहीं भाई, नेताजी बोल तो नहीं देंगे बाद में कि नहीं इब्राहिम ने का कोई दोस्त नहीं है मेरा? दोस्त नहीं, हम उनके छोटे भाई, छोटे भाई हैं आप जी। नेताजी के बारे में कुछ राज खोलिए। क्या जी राज? कुछ भी, उनका राज कोई है ही नहीं। हम लोग प्रोग्राम करवाते हैं, कव्वाली का प्रोग्राम करवाते हैं, और जब भी बुलवाते हैं तो नेताजी आते हैं, कम से कम आधे घंटे एक घंटे का समय देते हैं और सहयोग भी करते हैं, बैठे रहते हैं। हाँ, बैठते हैं आके। अच्छा, बिल्कुल। करण कैसा लगा? करण उनका बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए अब आप एक चीज बताइए, मतलब बृजभूषण जी भी बहुत अच्छे हैं और करण भी बहुत अच्छा है, ये कह रहे हैं ना आप लोग? जी जी जी। अब एक बात बताइए, इतना सब भूमिका बांध ली है हम लोग, लेकिन पिछले साल कुछ पहलवान जो मेडल लेकर आए थे देश के लिए, महिला पहलवान, ठीक है, महिला पहलवान जो देश के लिए मेडल लेकर आए, देश का नाम रोशन किए, देश का नाम ऊंचा किए, और इल्ज़ाम लगाए कि बृजभूषण शरण सिंह ने हमारा यौन उत्पीड़न किया, ये केस गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं? यही केस है ना? बृजभूषण जी पे आरोप लग गया कि आपने हमारा यौन शोषण किया। आप लोग नवाबगंज के लोग, चूंकि आप बृजभूषण सिंह के पड़ोसी हैं, आप लोग इस इल्ज़ाम को, इस पूरे केस को कैसे देखते हैं बताइए? आप तो छोटे भाई हैं उनके। वो गलत इल्ज़ाम लगा था। हाँ, गलत इल्ज़ाम लगा है, गलत इल्ज़ाम लगा जी। गलत इल्ज़ाम लगा उनके ऊपर। अच्छा जी, गलत क्यों, कोई लगाएगा? यह राजनीति के तहत गलत इल्ज़ाम लगा है, राजनीति के तहत। हाँ, राजनीति के तहत लगा हुआ है कि इनको किसी तरीके से डाउन किया जाए। अच्छा हाँ, तो कौन कर रहा है ये? कौन कर रहा है? ये कांग्रेस पार्टी का देन है। कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी ये करी है।
कौन है कांग्रेस पार्टी में ऐसा इनका खिलाफ? कांग्रेस पार्टी में जो है उनके सहयोगी जो एक क्या नहीं उनके कार उनके कार्यकर्ता बहुत से जैसे घूम रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। जी किसको? सांसद जी को बदनाम करने के लिए? जी जी। अच्छा, आज तक ऐसा कभी? बदनाम करने के लिए तमाम पार्टियां जो उनके पीछे पड़ी हुई है। हाँ हाँ, क्यों बदनाम क्यों करना चाहते हैं वो लोग? कि उनका अस्तित्व न रह जाए। अस्तित्व न रह जाए। तो आप लोग नहीं मानते हैं ना कि एकदम झूठा केस है? हम लोग नवाबगंज वासी नहीं मानते, एकदम झूठा केस है। कोई यहाँ का हिंदू मुसलमान कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता। हम तो हिंदू मुसलमान पूछे भी नहीं, लेकिन आपने बता दिया तुम्हारे कोई भी नहीं माने, कोई नहीं माने, गलती से भी नहीं, गलती नींद में भी नहीं, नहीं सपने में भी नहीं, सपने में नहीं। यहाँ के लोग सब एक साथ हैं, एक साथ। कई बार इल्जाम लग चुका है, लेकिन कोई सिद्ध किया है? कोई कोई पार्टियों सिद्ध किया हो तो बताइए, कोई भी सरकार में। एक बार टांडा केस लगा तभी नहीं सिद्ध कर पाए उनके पास, बहुत केसे लगी। एक बार जो है जेल भी गए थे तभी कोई केस नहीं लग पाया, सिद्ध हो पाया, ये भी नहीं सिद्ध हो पाएगा। आप लोग इस मिसले में जाना चाहते, नवाबगंज के लोगों से मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि आप लोग पड़ोसी हैं उनके, बहुत सारे लोग घर जाते होंगे उनके। मिलते जुलते हैं, मिलते जुलते हैं, मिलते जुलते हैं। जी सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ ना आप लोगों से कि आप लोग करीब के लोग हैं उनके। अब हमको ये बताइए कि जैसे महिला पहलवान है, कोई महिला है, कोई महिला ऐसे सामने आके बोलना चाहेगी कि हमारे साथ गलत काम हुआ है? गलती उनकी नहीं है, गलती उनकी नहीं है, गलती है कि ये जो आरोप लगाए हैं वो एक उद्योगपतियों का शिकार हो गए हैं, चंद पैसों में वो शिकार हो गए हैं। उद्योगपति का शिकार? हाँ, उद्योगपतियों का शिकार हो गए हैं। इससे पहले मतलब इन लोगों को कितनी छूट मिलती थी, बजरंग पुनिया हो गए जो ये सब हैं, ये कह रहे थे कि इनका मतलब ट्रायल नहीं होगा, ये डायरेक्ट नेशनल में खेलेंगे। इसके पहले एक कुश्ती हुई इनकी ट्रायल में, क्या नतीजा निकला? आप अगले को मौका नहीं देंगे, कैसे अगले का हुनर पहचाना जाएगा? मतलब ओलंपिक लाने वाले को सच बोल सकते हैं, सुनील पहलवान यादव जो हैं इनसे पहले ला चुके हैं पदक, वो आज जेल में बंद हैं। ऐसा होता तो ऐसे छोड़ी होता कि जो पदक ले आए वो सच ही बताएंगे। हाँ, वो जंद पैसों के लिए कुछ उद्योगपतियों का शिकार हो गए हैं। कौन उद्योगपति हो यार? अब उद्योगपति हैं वो सामने आएंगे, क्योंकि बहुत से विरोधी उनके घूम रहे हैं। जी एक ट्रायल हुआ उसमें पता लग गया, ट्रायल हुआ था कितने किससे कितने पॉइंट से हारे, 8-9 पॉइंट से हार गए, क्या हुआ उसमें? तुम ये कह रहे हो कि इनको ट्रायल देना था इसलिए इनको इतना छूट मिलता था, इनको नौकरी चाकरी के लिए हर चीज में, क्या हुआ जीतने के बाद पता नहीं कितना पैसा लेते हैं, तब ऐड करते हैं, ये फलाना धमकाना करते हैं। तो अब बताइए अगले को मौका हुनर नहीं अंजा देंगे, कैसे पता लगेगा? अब अगला नहीं मतलब इनका ट्रायल हुआ वो जूनियर था, इनका जिनसे ट्रायल हुआ था वो जूनियर था, न्यूज में भी आया था, इनका जिसे ट्रायल हुआ जूनियर था, इनसे 7-8 पॉइंट से इनको हराया, फिर हरा दिया था इनको। अच्छा नहीं लगा इन लोग। अब अच्छा कैसे लगेगा? अगले का हुनर भी इन पहचाने ना, ये लोग कब्जा करना चाहते हैं कि जो रहे वही। नेताजी हमारे कह रहे थे कि मतलब अगले को भी मौका मिले, उधर के लोग चाहते हैं जो लोग रहे हरियाणा के रहे, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी ना आ सके। यूपी के पहलवान कमजोर है क्या हरियाणा से? नहीं ना, नहीं कमजोर है, बड़ी पहलवान है और क्या, और नहीं तो क्या। हाँ, हरियाणा वाले भी कमजोर नहीं है यूपी वालों से, हरियाणा हमारा और क्या नाम है यूपी बड़ा पहलवान है यूपी और में। कौन पहलवान बड़ा है, यूपी का प्रधानमंत्री हरियाणा का पहलवान बड़ा है? यूपी का कितना मेडल आता है यूपी में? हरियाणा में तो बहुत सारा मेडल लेके आता है। अरे अभी लाया ना, इससे पहले नहीं लाए होंगे हमारे यूपी के। हाँ। और क्या, आप कह रहे हैं यूपी का पहलवान ज्यादा मजबूत नहीं इससे पहले थे? एक चीज बताइए आप लोग, कि जैसे मेरा बात वहीं अटका है, ठीक है, तुम बोल दिए बजरंग पुनिया केस गिना है। अब हम मेरा सवाल ये है कि महिलाएं हैं केस में ना यार, अब महिलाओं के होने से तो वो कुछ उद्योगपतियों का शिकार हो चुके हैं साथ ही साथ में। बाकी अभी तक इतनी है महिलाएं, उनसे ज़्यादा महिलाएं आती थी, अभी तक कुछ नहीं हुआ। जीत के पहले का वीडियो वायरल हुआ कि जब से नेताजी आए हैं तब से उनको मोदी जी ने प्रधानमंत्री जो हमारे देश के खुद तारीफ की, बिजेंद्र सिंह जी हमारे नेताजी की। और बताइए कि कुश्ती हमारे सुरक्षित हाथों में है, इससे पहले कुश्ती का क्या महत्व था? मेडल ला रहे हैं सब, ये वही है, शिकार हो गए हैं उद्योगपतियों का और कुछ नहीं। तो कि महिलाएं झूठ बोल रही हैं। अब झूठ बोल रहे हैं तो नतीजा सामने ही आएगा, क्या झूठ है क्या सच है, ये मैटर करता है ना। अब हम सोचते तो यही, हम तो बता रहे हैं कि ये उद्योगपतियों का शिकार हो गए हैं कुछ। कौन उद्योगपति है वो? अब उद्योगपति षड्यंत्र है जी। कौन कौन खेला षड्यंत्र में, कौन कौन खिलाड़ी? हम लोग नाम नहीं लेना चाहते किसी पार्टी का भी, पार्टी ना किसी उद्योगपति का। उद्योगपति का नाम तो लेते रहते हैं। अरे ठीक है, नेता जी एक हमारे नेता हैं,
क्या किसका नाम लेना चाह रहे हैं आप? अरे हम लोग किसी का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं। नाम अभी अरे बस बोलने वाले हैं आप। अरे बोल दो सेठ जी। अरे हम लोग किसी का। अरे दीपेंद्र हुड्डा सीधा उसका शिकार हुए। दीपेंद्र हुड्डा उन्हीं का शिकार हुई है लड़कियां जितनी भी हुई हैं। हमारे बगल में नंदीनगर है, आप जाके देख लीजिए कितनी रेसलर यहाँ रहती हैं, आप जाके देख लीजिए कोई व्यवहार हुआ आज तक आप देख ले। क्यों भाई साहब बताइए आप लोग, केवल उन्हीं के साथ हुआ? यही साक्षी मलिक आती थी पैर छूती थी नेताजी का, यही साक्षी मलिक थी जो आज आरोप लगा रही हैं। सब दीपेंद्र हुड्डा का किया धरा है ये जो नेताजी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, समझ लीजिए आप, और कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, और कोई नहीं, सीधा नाम ले रहा हूँ, किसी से डरता नहीं हूँ, सीधा नाम ले रहा हूँ। इतनी रेसलर हैं हमारे नंदीनगर में, आप जाके देख लीजिए, नवाबगंज में आती हैं, किसी की हिम्मत नहीं कि आग उठा के देख ले। रेसलर लोगों को किसी की हिम्मत नहीं कि आग उठा के देख ले। अच्छा। और आप कह रहे हैं कि गलत काम किया गया है, कुछ नहीं हुआ है, केवल सरासर झूठा इल्जाम लगाया गया है और ये केवल शिकार हुए हैं दीपेंद्र हुड्डा के। अच्छा। क्योंकि आज 10 साल से कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे हरियाणा, नेता हो गए, चलिए जी। उद्योगपति कौन कौन शामिल है? उद्योगपतियों भी कुछ है जिसे हम लोग नहीं जानते हैं उनका नाम, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा का नाम खुल के सामने आया है। अच्छा। खुल के सामने दीपेंद्र हुड्डा का नाम आया है। ठीक। अब ये बताइए, चलिए हाँ, ये बृजभूषण सिंह के बारे में बात हो गई जी। अब आप लोग क्या चाहते हैं? एक होता है सांसद, कैसरगंज का सांसद एक अलग होगा, ठीक है, लेकिन होता है सांसद जो होता है फिर देश का प्रधानमंत्री भी चुना जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग वोट करते हो तो ये भी सोचते हो ना कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? आप लोग प्रधानमंत्री किसको बढ़िया देखते हो? नहीं, प्रधानमंत्री तो सर मोदी जी है ही हैं, मोदी जी, उनसे अच्छा कोई नहीं है सर, कोई ऑप्शन है ही नहीं सर। अच्छा। कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे देश के हित के लिए काम करे वही हमारा राज करेगा, वही देश पे राज करेगा, वही देश पे राज करेगा, बाकी लोग हित पे काम नहीं कर पाएंगे ना। किसने किया सर बताइए आप, और कोई है लायक नहीं है? अच्छा, प्रधानमंत्री लायक नहीं है वो, और पार्टियां प्रधानमंत्री लायक नहीं है, प्रधानमंत्री के लायक नहीं है पार्टियां। अच्छा, क्यों नहीं लायक है बताइए जरा सर? क्षमता नहीं है देश चलाने की उनको। क्षमता क्या चाहिए उसको? वो उनके अंदर वो गुण नहीं है कि देश को जो लाए। वो गुण कौन सा चाहिए? देश को संभालने के लिए। संभालना कैसे होता है बताइए ना थोड़ा। अरे घबरा रहे तो बोलिए। घबरा नहीं रहे, डर लग रहा है? डर कोई बात नहीं, किस बात की डर, कोई डर नहीं है। गौरी सर लेके बता दीजिए, देश चलाने में ले कोई सक्षम और है नहीं नेता इसके अलावा, मोदी के अलावा? अरे मालिक आप तो बता रहे हैं, सक्षमता बताइए कैसे होता है सक्षम, कोई नेता बड़ा कैसे बनता है ये जानना है हमको, बताइए आप बताइए साहब। देखिए वो जो है हर एक क्षेत्र में उनका इतना उनका व्यवसायिक क्षेत्र है, हर एक देश इनको मोदी जी को मानता है, इसलिए चीन भी डरता है और देश भी डरते हैं। चीन भी डरता है? हाँ, चीन भी भारत से डरता है। चीन बहुत डरता है ना? अब बहुत नहीं डरता, होता तो हम जो हमेशा कांग्रेस के समय में हमारे सीमा में हल जाता था और कांग्रेस गिर गिराती थी, छोड़ दो सीमा हमारा नहीं, हमारा बेइज्जती हो रहा है। घुस के मारते हैं अभी चीन में ना? हम घुस के मारते हैं चीन वालों को हम घुस के मारते हैं। और क्या, और कैसे मजबूत हुआ? पहले चीन वाले हमारे देश में घुस जाते थे और कांग्रेस गिड़गिड़ाती थी, छोड़ दो नहीं तो हमारा चला जाएगा, हमारी बदनामी होगी हमारे देश में। मोदी अब जवाब देती हमारी सेना। आतंकवादी गतिविधियां कितनी कम हुई आप ये बताइए, आप 5 साल के अंदर, 5 साल उसके पहले तो था आतंकवादी, लेकिन जब से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है उससे आप सोचिए कि आतंकवादी गतिविधियां कितनी कम हुई है हमारे देश में। उसके बाद अर्थव्यवस्था, हम लोगों की अर्थव्यवस्था, सीमा चीन हो चाहे रूस हो चाहे जापान हो, क्यों खाक न देते हैं? चाहे चीन हो चाहे रूस हो चाहे जापान हो, क्यों खाक न देते हैं? मेहनत करबो तब भी मिले। हाँ, चीन रूस चाहे जापान खाने का नहीं दे, खाने का नहीं मिलेगा, कोई न दे। और न क्यों विधायक नेता मंत्री विधायक दे हैं, क्यों नहीं देगा? किसको दे रहा है? हमें नहीं मिला, हम आतंकवादी हुए, हमें नहीं मिलत, हम आतंकवादी हुए, हमें नहीं मिलत, तुम्हें मिलत हुई, तू लाओ जाओ तो वो हमारा हमारा प्रधानमंत्री अन्नदाता है। पात्र पहुँचते नहीं, जे नहीं पात्र ते पावत है, जे पात्र है वह नहीं पहुँचते।
और अमेरिका तक पहुंच गए, लेकिन हमारा नवाबगंज का रेलवे स्टेशन और यहाँ इंटरसिटी रुकती थी वो नहीं रुक रही है, और हमारा मिल बंद है, यहाँ पर रोजगार की समस्या है, ये कब मुद्दा उठाया जाएगा? ये सब चीज तो है ही है, कुछ ना, ये ना रेलवे है ना रोडवेज है ना कोई यहाँ व्यापार के वो है, कोई भी नहीं। अभी अमित शाह जी आके कह गए कि इंग्लैंड के तर्ज पे हमारा रेलवे स्टेशन बनेगा। अरे इंग्लैंड की तो छोड़ो, हमारा ये छोटा मोटा स्टेशन ही बना दे, जो टिकरी बना है मनकापुर बना है उसी की तर्ज पे ही बना दे, इंग्लैंड की तो मारो गोली। और रोजगार जो है अगर मिल है, अरे उसको बोलने दीजिए, अरे आप क्या बता रहे हैं, क्या बोलना है उसको बोलने दीजिए, हम बोल रहा है वो 400 मीटर प्लेटफार्म बना हुआ है, यहाँ के जनता जाके वहाँ लेटे है, और कोई व्यवस्था वहाँ नहीं है लेटने के लिए, हाँ कहीं लेटने के लिए बना है, कोई गाड़ी यहाँ नहीं रुकती है। तो मैंने कविता भी लिखा है, अगर 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 2 मिनट का है तो सुनने के लिए, 1 मिनट की सुनाइए उसको, 1 मिनट में काट के सुनाइए कि दुनिया में बहुत लोग क्या नाम है कह रहे मोदी सरकार काम कर रही, बहुत सारे लोग कह रहे कर रही है, चलिए ठीक है, किस सब जगह विकास का कार्य हो रहा है लेकिन हमारे नवाबगंज में नहीं हो पा रहा है, उसका कारण यह है कि कहना हमने लिख रहा है कि कहाँ बैठे हो मेरे सरकार, कहाँ बैठे हो मेरे सरकार, कर रहे हो उद्घाटन और चारों ओर विकास, कहाँ बैठे हो मेरे सरकार। मिल हमारे यहाँ जो थी रोजगार बहुत देती थी, लेकिन अब जो है वो रोजगार की समस्या बहुत बढ़ गई है, अगर रोजगार मिल बन जाता तो बहुत रोजगार हमारे नवाबगंज में होता, नहीं है मिल के ऊपर कहना है कि देती थी जो रोजगार वो मिल बंद है वर्षों से, देती थी जो रोजगार वो मिल बंद है वर्षों से, रोजगार चाहती है जनता बेरोजगार है अरसों से, रोजगार चाहती है जनता बेरोजगार है अरसों से, अरे अपनी नजरिया, अरे अपनी नजरिया फेरो हमरी ओरी देखो तो एक बार, कहाँ बैठे हो मेरे सरकार, कहाँ बैठे हो मेरे सरकार। और हमारे यहाँ जी अभी रेलवे स्टेशन जो है हमारे यहाँ बना नहीं है, तो उसके लिए कहना है कि खून के आंसू रो रहा है मेरे कस्बे का रेलवे स्टेशन, खून के आंसू रो रहा है नवाबगंज के रेलवे स्टेशन, बैठने की सुविधा नहीं है, नहीं है लाइट रोशन, अरे बैठने की सुविधा नहीं है, नहीं है लाइट रोशन, अरे नवाबगंज के स्टेशन का खो गया है सारो श्रृंगार, कहाँ बैठे हो मेरे सरकार, कहाँ बैठे हो मेरे सरकार। और इंटरसिटी यहाँ रुकती थी वो भी अब नहीं रुक रही है, कितनी लंबी बची है, बस ये 4 लाइन की और है कि 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 ट्रेन चलायो है वंदे भारत, भारत की शान बढ़ायो है, ट्रेन चलायो है वंदे भारत, भारत की शान बढ़ायो है, एक नहीं दुई चार नहीं हजारों ट्रेन चलायो है, अरे अब तो चलाओ ट्रेन इंटरसिटी, अरे नहीं रुक रही ट्रेन इंटरसिटी, ठप है नवाबगंज का व्यापार, कहाँ बैठे हो मेरे सरकार, नवाबगंज की जनता एक चीज बहुत बड़ी मांग करती है आपके चैनल के माध्यम से, ये जो नवाबगंज की मिल है सबसे बड़ा व्यापार देती थी नवाबगंज को, आज बरसों से बंद पड़ी है। आप लोग जाते हैं अपने पड़ोसी के? हाँ हाँ बिल्कुल जाते हैं, मुलाकात होती है, लेकिन उस विषय पे कोई चर्चा नहीं हो पाती है, नहीं होती है, क्योंकि एक लोग के किसी के कहने से कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, ये बात बहुत ऊपर तक गई लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। ये बहुत बड़ी मांग है नवाबगंज जनता की कि नवाबगंज का मिल चालू हो, आज 20 वर्षों से करीब बंद पड़ा है नवाबगंज का मिल, और बहुत व्यापार वो देती थी यहाँ पे, करीब 1000-2000 लोग आते थे, नवाबगंज का व्यापार बढ़ता था उससे। 93 में बंद हुआ है, आगे आगे क्या करें, हमारी गाड़ी रोड पे खड़ी, कोई ढकेल देगा तो कौन सरकार हमको गाड़ी देगी, अरे कोई ढकेल देगा यहाँ, और रोड पे खड़ी है अभी, कोई ढकेल दे तो कौन देगा? नवाबगंज में गाड़ी चोरी होता है क्या? होता चोरी और क्या? अरे नहीं यार, अरे अभी आप खड़े कर दीजिए यहाँ, आप इंटर आपकी गाड़ी गायब हो जाएगी,
गाड़ी गायब हो जाएगी और क्या, हमारी ललन टॉप की गाड़ी भी गायब हो सकती है। उसमें तो स्टिकर चक्कर रखा हुआ है, आपका सरकार की गाड़ी है, वो तो मिल जाएगी। सरकार की नहीं है, मालिक हमारी है, सरकार की। चलिए आप ही की है, मान लो गायब हो जाए तो हेरने नहीं लगोगे? तो गायब हो सकती है मतलब ना। फोन इंटरव्यू दे तो रहे या कहीं 200 वर्ष से बंद है, हम कहें कि 93 से बंद है मिल। सही बात है, 93 से मिल बंद है, यहाँ तक गन्ने की टाली लगती थी, मिल वहाँ है। समस्या बोल रहे, अभी तो बता रहे नेताजी से रोज मिलते हैं, बोलते नहीं उनसे नेताजी से? वही तो कह रहे हैं कि एक आदमी से कहने से क्या होगा, जब पूरी नवाबगंज की जनता इकट्ठा होकर जाए कहेगी तब तो कुछ होगा काम। बहुत ऊपर तक बात गई लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ नवाबगंज की मील के लिए, रावण रेलवे स्टेशन के लिए। समस्या वोटर आईडी भी है, 25-30% बच्चे ऐसे हैं जो 18 क्रॉस है, वोट डालने को नहीं पा रहे हैं। ये नवाबगंज की नहीं डाल पा रहे हैं। अच्छा, और क्या समस्या है? हम लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, हम लोग को नौकरी नहीं मिल रही है। अच्छा, अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। और क्या, नौकरी नहीं मिली है? 2018 से यूपी में प्राथमिक शिक्षकों की कोई भर्ती नहीं है। 2018 में लास्ट प्राथमिक की भर्ती आई थी 69,000 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई। सरकारी नौकरी नौकरी है और कुछ नौकरी नहीं है? अच्छा, रोजगार नहीं है, बेरोजगार घूम रहे हो? रोजगार। अच्छा, मेहरारू बिहार न करे तहार, 20,000 बिहार न हुई भाई, सरकारी नौकरी से होती कम कमाबो, बिहार न हुए भैया, सरकारी नौकरी से 20,000 बिहार के जरूरी है, कम से कम 60,000 जरूरी है, सरकारी नौकरी से ही होगी, 60,000 जरूरी है। तो की संख्या रिक्त होने के बाद भी भर्ती नहीं निकाल रही योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार से कम कमाबो भैया, बिहार न हुई। अच्छा, बिहार हुई हर इंसान का सपना है, अपना गाड़ी अपना घर, सपना सबका होता है। क्वालिफिकेशन बताइए अपनी। क्वालिफिकेशन बहुत से लोग अनपढ़ होते हैं, ये हिंदुस्तान है भैया, यहाँ बहुत से लोग अनपढ़ हैं, क्या उनको कमाने का रोजगार हक नहीं है भैया? सरकारी नौकरी क्यों चिंता कर रहे हैं फिर? सरकारी नौकरी की चिंता क्यों कर रहे हैं? हम सरकारी नौकरी नहीं मांग रहे हैं। हाँ। हमको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, हम इंटरमीडिएट हैं। तो फिर ठीक है, इंटरमीडिएट है, सरकारी नौकरी हमको नहीं चाहिए। नौकरी नहीं निकल रही है या उनको लग रहा है क्वालिफाइड नहीं है? ये देखिए क्वालिफिकेशन देखना, ये देखिए 126 नंबर यूपी टेट में क्वालिफाइड होकर बैठा हूँ। 2018 के बाद यूपी में कोई प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती इस प्रकार एक सरकार ने नहीं निकाली। 126 नंबर क्वालिफाइड करके दो बार में बैठा हूँ, इस सरकार ने कोई वैकेंसी नहीं निकाली 2018 के बाद। हम लोग लगातार इस लाइन के बारे में जानकारी नहीं है, सरकार मांग कर रहे हैं। ये है क्वालिफिकेशन, ये है 150 में 126 नंबर, 85% से ज्यादा नंबर आया है। ये है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2018 के बाद से पदों की संख्या। मैं बता रहा हूँ अब की बार भाजपा धड़ाम, 1,00,000 से ज्यादा पद खाली है उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के। और हमारे ये सरकार कहती है योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, योग्य शिक्षक नहीं मिले, ये है योग्यता, ये देखिए ये है योग्यता। अब आप भाई बताइए, अब आप जवाब दीजिए, इस लाइन में मुझे जानकारी नहीं है। आप बोल रहे हो सरकारी नौकरी सबको चाहिए, आप इनसे भी क्वालिफिकेशन पूछ रहे थे, ये बंदा क्वालिफाइड बंदा अपना सर्टिफिकेट लेकर आ गया, अब सबको सरकारी नौकरी चाहिए। अरे भाई आपकी बात हो गई, जवाब सुन लीजिए, आप दीजिए कि सरकारी नौकरी लोग अपना सर्टिफिकेट तक हाथ में लेके घूम रहे हैं, बोल रहे हैं भर्ती नहीं आई, क्या करेंगे बताइए? अब इसके बारे में क्या बोला जाएगा? अब भर्ती अगर बता रहे हो आप, बीटीसी की भर्ती कब से रुकी है? सुनो, अब बीटीसी की भर्ती कब से रुकी है? बीटीसी की भर्ती 2018 69,000 से ही रुकी है, बात कोई वैकेंसी नहीं है। पिछले 2018 के पहले भर्ती कब आई थी? 2018 के पहले 2018 में दो भर्ती आई थी, 68,569 का इतना रायता फैला चुकी है सरकार कि उस रायते को समेट नहीं पा रही। 2018 में किसकी सरकार थी? 2018 में योगी सरकार थी। तो फिर वो भर्ती भी योगी की नहीं है। अच्छा, मैं साबित कर दे रहा हूँ। अच्छा, सुनिए डाटा। हाँ। 2016 में अखिलेश यादव सरकार ने 1,72,000 सुन लो पहले। हाँ। 2018 में अखिलेश 2016 में अखिलेश यादव की सरकार ने 1,72,000 शिक्षा मित्रों का अवैध संयोजन किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया 2017 में। और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि 1,72,000 की जो रिक्तियां हुई है उनको दो भागों में भरिए, 68,000 की एक भर्ती, 69,000 की एक भर्ती।
ये सरकार भी ये जो भर्ती निकाली है 2016 की अखिलेश की गलती की वजह से 2000 ये जो भर्तियां आई सुप्रीम कोर्ट की वजह से आई, ना कि योगी सरकार की नीतियों की वजह से आई। पहली बात, दूसरी बात, मेरी कंप्लीट नहीं, लेट मी फिनिश फर्स्ट। उसके बाद हर साल बेसिक में 10 से 12 हजार से चक्र तो रहे हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बगैर ये सरकार खुद से एक भी पद सृजित करने का कार्यक्रम नहीं की, जबकि हर साल बेसिक में करोड़ों नामांकन होते हैं। और जो है सात छात्र शिक्षक अनुपात जब जोड़ के बात बताने की बारी आती है तो शिक्षा मित्रों को जोड़ दिया जाता है और उसमें जो है नामांकन को बराबर बता दिया जाता है। आपने कह लिया जी, अब आप जवाब दीजिए भाई। नहीं है मेरे पास जवाब इसको, इस लाइन मुझे जानकारी नहीं है, मास्टरों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, नहीं है। सब मिला के पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। अभी आप बोल रहे थे इनसे पूछा थे सबको सरकारी नौकरी चाहिए, हाँ। अभी इससे पूछे तुम कितना, जब उन्होंने ये बताया कि 30,000 के नीचे होगी शादी नहीं होगी, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये कह रहे हैं रोजगार नहीं है, क्या रोजगार सरकारी नौकरी ही है, मैं ये कह रहा हूँ। इनकी बात का भी जवाब दे दो लगे, तो क्या सरकारी नौकरी ही रोजगार है? मैं सरकारी नहीं हूँ। दूसरी बात, आप भर्ती की बता रहा हूँ, सुनो कराया गया है क्या उनको नौकरी नहीं देना चाहिए भारत सरकार को? हम भारत में है, सरकार क्यों बीएड करा रही है? क्यों ब्यूटी कर रही है? हमारी बेटियां बीएड करके बैठी हुई हैं, उनको सरकारी नौकरी नहीं दिया जा रहा, क्यों नहीं दिया जा रहा? क्यों बीएड करा? क्या पैसा लेने के लिए हिस्से, क्योंकि पैसा लेने के लिए शिक्षा किया उनको बीएड कराया गया है? सरकार का घर भरने के लिए हम लोगों को कराया गया है, बीएड क्यों कराया गया? सरकार गलत कर रही है ना? बिल्कुल गलत कर रही है। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम श्री कृष्ण जी। अभी आप तो सरकार के साथ खड़े थे दो मिनट पहले। सरकार के साथ देखिए, मैं देश के साथ हूँ और देश मेरे साथ, जो देश के हित, एक सेकंड, क्या बोले उधर से? देश इनके साथ है, ये देश है और देश इनके साथ है जी। हाँ, देखिए जो हमारे उत्तर प्रदेश की एक समस्या है, एक तो नौकरियां, जो बच्चे बीएड वगैरह किए हैं बीटीसी की है उनको नौकरियां, नहीं ये तो समस्या है, एक, ये भाई समस्या, एक बहुत अटूट समस्या है। दूसरी, अच्छी शिक्षाएं यानी कम पैसे में उपलब्ध हो, जिसके पास पैसा है तो वही बच्चे शिक्षा पा रहे हैं, जो बच्चों को पास पैसा नहीं है वो अच्छी शिक्षा नहीं पा रहे हैं। ठीक, दो तीसरी जानकारी नहीं है हमें, उस बारे में जानकारी नहीं है, उस बारे में क्या डिबेट करें, इसके बारे में कोई गलत तथ्य बोलूंगा नहीं। तीसरी बात, हमारे यहाँ ट्रेन वगैरह नहीं रुकती है, ये तो बताया कई लोगों ने, ठीक है, कई लोगों बताया, स्टेशन का नवीनीकरण हो रहा है, रुकेंगी ट्रेन। हाँ, चलिए, और देश में शिक्षा और जो है बेरोजगारी का मुद्दा है, मुद्दा 2 साल से बन रहा है, अभी तक नहीं बन पाया है। ये बोलना कि होने वाला, 3 साल से बोला जा रहा है, कुछ भी नहीं। सर अपनी मम्मी का पेपर समीक्षा अधिकारी वाले दिलाने गए गोंडा, पूरे दिन भर बैठे थे, पेपर देख रहे और रद्द हो गया। सर ये क्या, मेरे घर में मेरी मम्मी मेरी खाला पेपर दिलाने गए सर, पूरा वेस्ट हुआ, अल्लाह मत सर, पूरा वेस्ट हुआ टाइम हम लोग का, हम गए दिलाने पेपर, सर पेपर ही लीक हो जा रहा है। मेरा एक भाई हो गया था सर, यूपी पुलिस का निकला था वो वैकेंसी, वो भी लीक हो गया सर, ये क्या है? बार बार पेपर दो, फॉर्म भरो, बार बार पेपर दो सर, हम लोग पेपर क्या बताऊँ, पेपर कौन, भाजपा सरकार लीक करवा रही है पेपर, पेपर किसी पेपर कोई है सर, मोदी जी ऐसा कोई नेता ही नहीं है, बढ़िया अच्छा नेता, देश के हित के लिए। आप भाई फिर से उनके साथ हो गए? हम उनके साथ हैं, लेकिन जो हमारी समस्या हो तो हम कह सकते हैं ना, समस्या बहुत है लेकिन वोट भाजपा को ही देंगे, कहने का इनका अर्थ है कि समस्या बहुत है, वोट भाजपा को ही देंगे, लेकिन वोट तो भाजपा को ही देंगे, उनको अपनी एक नंबर वाले अंधभक्त है, गोबर भक्त है, बिल्कुल गोबर भक्त है, अंधभक्त नंबर 1 के, बिल्कुल शिक्षा नहीं निकल रही। अब मैं बता रहा हूँ, सुनो आप, इनके लाइन की जानकारी मुझे नहीं थी,
मेरे भैया सगे, ठीक है सुनो सुनो आप, 2021 में, 2021 में है ना जीजा, 2021 में जीजा है मेरे, जीजा जी हैं हाँ, 2021 में, अरे पाहुन आगे आइए, अरे पाहुन आगे, 2021 में भर्ती निकली सुनिए आप, ठीक है स्टेट बैंक में असिस्टेंट जूनियर एसोसिएट के पद पे हुए, ठीक है उसके बाद 1.5 साल उनने वहाँ पे सेवा दी यहीं पे बबन जोत में गोंडा में ही, उसके बाद उनने रिजर्व बैंक का पेपर अभी क्रैक किया है, अभी कानपुर में पोस्टेड है रिजर्व बैंक में, इसी मोदी सरकार में बीते 3 ही साल के भीतर में केंद्र सरकार की एक नौकरी अभी कर रहे हैं और राज्य सरकार की एक नौकरी छोड़ चुके हैं क्योंकि वो एलिजिबल है, इनके भाई को मिली नौकरी अभी इसी सरकार में मिली है क्योंकि वो एलिजिबल है, एक नौकरी छोड़ के एक नौकरी कर रहे हैं अभी नौकरी इनके भाई ही, अभी भर्ती निकलेगी मैं भी भरूंगा, मैं भी BAMS हूँ डॉक्टर हूँ, इंटर्नशिप कर रहा हूँ मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अयोध्या में, जो मेहनत नहीं करेगा कैसे नौकरी पा जाएगा, मेहनत नहीं करेगा नौकरी कैसे पा जाएगा भाई, दो इनके भाई ने नौकरी आज पाई है इसी सरकार में नौकरी पाई है अभी रिजर्व बैंक में, अच्छा यानी आपके साले साहब मेहनत कर रहे हैं बाकी सब मेहनत नहीं कर रहे, जो मेहनत करेगा वो तो है, लोग पैसे से मजाक कर रहे हैं, इनके कहने का मतलब है लोग पैसे दे के और मेहनत नहीं करेंगे, उनके पैसे फालतू का है नहीं, तुम्हारे सवाल ही गलत है, सवाल गलत है, ये भैया को मिल गया और सबको क्यों नहीं मिल रही, पैसे की नौकरी करे हैं ये, मतलब ऐसा तो है नहीं, तुम्हारी बाकी सब खाली बैठे हुए हैं, उनकी भर्ती हुई है, सुनो आप, सुनो भैया, सुनो 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 इधर सुनो, जब उनकी भर्ती हुई है तब 250 और लोगों की भर्ती हुई है, उसमें से एक ये थे, 249 और भी हुए हैं, फिर वही बात कर रहे हो यार, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, ये हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, अरे भाई सक्सेस भाई, हल्ला नहीं, अब देखो हल्ला, अब देखो हमको सबका वीक पॉइंट पता चल गया है, ये हल्ला करेंगे हम बोल देंगे इनके सवाल का जवाब दो, ठीक है सारा इंडिया में हमारा पैसा जमा था, हमारा पैसा नहीं मिला सारा इंडिया में, और हम मोदी अमित शाह ने कहा था इस इलेक्शन आने से पैसा सबको आ जाएगा अकाउंट में, हमारा पैसा नहीं आया, पूरा जनता का पैसा नहीं आया, किसी का पैसा नहीं आया, अरबों खरबों रुपए सहारा में जमा था नवाबगंज का, किसी का पैसा नहीं आया, बोला गया था कि 10,000 रुपए करके देंगे, 10,000 रुपए भी नहीं दिया गया, बोल रहे हैं हम लोग एक एक रुपए कमाए मेहनत से, एक एक रुपए कमा के जमा करे सारा इंडिया में, कि हमारा पैसा मिलेगा हमको, मोदी जी ने बेच दिया भैया, अब उसका इरादा ना करो, मोदी जी ने बेच दिया उसे, अडानी जी को दे दिया, अडानी जी को दे दिया, सारा बैंक अडानी जी ले गए, हमारा रेल जो है अडानी जी ले गए, सब कुछ अडानी जी ले गए, ऐसा नहीं हुआ है भैया, सब कुछ हाँ अडानी जी ले गए, सरकार कह रही है कि सबको पैसा मिल जाएगा, सबको पैसा मिल जाएगा, और फिर टोपीबाजी करते हैं, सिर्फ टोपी दे देते हैं पैसा, जी आईसी का पेपर मथुरा में हुआ था, जी आईसी का पेपर, भाई आप लोग हल्ला बहुत कर रहे हो यार, मोबाइल नीचे करो, मोबाइल नीचे करो, सर 2022 हल्ला मत करो, मेरी बात सुनिए भैया, आराम से एक एक करके हल्ला नहीं करो आप लोग, प्लीज सर मेरी बात सुनिए, जी सहारा इंडिया सुब्रतो रहेगा, ठीक है सीईओ वही थे, बेच दिए मोदी, खरीद लिए अडानी, पैसा कोई और खा गया कुछ पता नहीं चला, है ना यही तो बता रहे थे, कौन बता रहा था, सहारा इंडिया जीतेगा, एनडीए हारेगा, हाँ तो कुछ भी हरा दो, जीतेगा एनडीए भाई, हरा दो बिल्कुल, हरा दो यार की चुनाव में, जिसको जिसको वो तो आदमी, वो तो जनता एकदम पूरा एकदम स्वच्छंद है ना, जिसको चाहिए उसको वोट दे, आप दीजिए, आप चले 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 चले, अरे ठीक 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 हाँ बताओ भैया, सर 2022 में पेपर अपनी अमित जानी मथुरा गए थे GIC का, वो अभी मेंस का पेपर नहीं आया, मेंस का फॉर्म अभी नहीं भरा गया, 2022 से अभी तक नहीं सरकार ने निकाला, सर इतना दूर दूर तो भेज देते हैं सर सेंटर, जाओ पैसा लगे, उसके बाद मेंस भी नहीं है, पेपर नहीं दे रहे, टीचर लाइन, उसके बाद मेंस कभी नहीं निकाला गया, GIC हाँ, GIC कौन सा पेपर होता है भाई, टीचर टीचरिंग में हुआ था सर, निकला था वैकेंसी, गए थे मथुरा दिलाने, उसके बाद मेंस भी क्लियर, मेंस का पेपर भी नहीं अभी तक सरकार ने निकाला, ठीक है पहले भी लीक होता था पेपर, मोदी नहीं आओ, चलिए इस बातचीत को यहाँ बंद करते हैं, आप लल्लन टॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।